दोस्तों गांव वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। वह अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वह भी जीरो इन्वेस्टमेंट से। और दोस्तों प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसे आप कम से कम 500 रुपए किलो के भाव में बेचेंगे। हकीकत बात यह है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट गांव में मुफ्त में मिल जाता है, जितना चाहो उतना मिल जाता है, लेकिन सिटी में दोस्तों यह प्रोडक्ट पैसे देकर भी नहीं मिलता है। अगर कहीं मिलता भी है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, और दोस्तों यह हमेशा नहीं मिलता है। आज हम आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ कर लाए जो ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा है। मैंने भी दोस्तों ऑनलाइन सर्च किया, ज्यादातर हमें कुछ भी आ सकता होती है, हम ऑनलाइन जाते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो कुछ भी मिल जाता है। आप गाय के उपले ले सकते हैं, जिनको हम कंडा भी बोलते हैं, गाय का गोबर से जो बनते हैं, ये भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आज हम गांव का लेके आए ये तो ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा है। इसकी डिमांड काफी ज्यादा है पर है ही नहीं। लोग इसे पसंद बहुत करते हैं, नाम लेते हैं कि भैया ये कहीं मिल जाए, पर नहीं मिलता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। कौन सा वह बिजनेस है, कैसे शुरू किया जा सकता है, इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया और लोन आइडिया इस चैनल पे हम लाते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, बिजनेस के फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं कि आज के समय में सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहे हैं। कुछ भी आपको खरीदना हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर जैसी बड़ी से बड़ी चीजें मिल जाती हैं, छोटी से छोटी चीज, अगर आपको सुई भी खरीदनी है तो वो भी ऑनलाइन मिल जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं मिल रही हैं, यानी कि इस मौके का आप फायदा ले सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। गांव वालों को ये प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से मिल जाता है और लोग उसका फायदा भी लेते हैं, लेकिन शहर वालों को ये चीज बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। तो शहर वाले इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं और इसको अपना बिजनेस बना सकते हैं। शुरुआत अगर करनी है तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले ऑनलाइन हमें सेल करना है, क्योंकि ऑफलाइन में दोस्तों आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो ऑनलाइन में मिलेगा। ऑनलाइन में मन मुताबिक आपको कीमत मिलेगी। अगर आप चाहें तो 200 ग्राम का एक पैकेट बनाकर कम से कम 100 रुपए में, वरना 200 रुपए तक में आप सेल कर सकते हैं, यानी कि 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में आप सेल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना प्रोडक्ट कितना महंगा बेचना चाहते हैं। फिर भी हम कहेंगे कि अगर आप 200 ग्राम का पैकेट 100 रुपए में बेच रहे हैं तो भी 500 रुपए किलो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको लेनी होगी जीएसटी, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए जीएसटी अनिवार्य है, तो आपने एक जीएसटी ले ली। अब बात आती है प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले पैकिंग मटेरियल जिसमें आप पैक करेंगे। तो एक आपको पन्नी की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी की पन्नी जिसमें आपको फोटो व प्रोडक्ट का होना चाहिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे कि खरीदने वाले दूर से ही जान जाए कि इसमें क्या बिक रहा है। एक प्रोडक्ट हो गया। अब आपको चाहिए सीलिंग मशीन। वैसे दोस्तों ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप गांव से बिजनेस कर रहे हैं, लो इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं, बिना इन्वेस्टमेंट की बिजनेस है, तो आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हमने बताया सीलिंग मशीन। जीएसटी में कोई खर्चा नहीं होता है, फिर भी 1000-1500 रुपए सीए ले लेता है, कोई बात नहीं, 1000-1500 खर्च कर सकते हैं। सीलिंग मशीन 700-800 रुपए की, 1000 रुपए की मान लो, यानी कि 2500 रुपए ये खर्चा हो गए, और 2500 रुपए आप खर्च कर सकते हैं पैकिंग मटेरियल में। इस प्रकार से 4,000-5,000 रुपए में ये बिजनेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपको मुफ्त में मिलने वाला है तो टेंशन नहीं लेनी है। अब बात आती है प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों प्रोडक्ट है चने का साग। क्या आप सोच सकते हैं कि चने का साग आजकल ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, बाकी हर कुछ चीज मिल रही है। दोस्तों चने के साग को अगर आप सुखा देते हैं तो इसे आप कभी भी खा सकते हैं। तो चने को साग को आप गांव में फ्री में ले लेते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाता है। हाँ, हर जगह नहीं मिलता, ये मुझे पता है, लेकिन जहां पर भी इसका उत्पादन होता है वहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लोग अक्सर इसको ऊपर का काट करके जानवर को खिला देते हैं, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं कि ऊपर ऊपर का जो चना का साग होता है, ऊपर की जो कुछ पत्तियां होती हैं, इनको आप काट करके छाया में सुखाइएगा, धूप में नहीं, क्योंकि अगर धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर फीका हो जाएगा, इतने ग्रीन नीस नहीं रहेगी, हरा ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसे छाया में ले जाके सुखाना है। जब ये सूख जाए तो इसको 200-200 ग्राम के पैकेट भरने हैं और इसे ऑनलाइन सेल करना है। दोस्तों समझिए, चने का साग दोस्तों हम गांव वालों को भी बहुत अच्छा होता है, और जब ये
और ये अगर हमेशा आप बेचने लगे ऑनलाइन, अगर ये हमेशा मिलने लगे तो हर कोई इसका फायदा ले सकता है, सभी को इसका स्वाद मिलेगा। तो चने का साग ऑनलाइन बेचना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अभी इस पे नो कंपटीशन है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं, अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे सर्च कर सकते हैं, तो यहां पर भी ये नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, अपनी पैकिंग तैयार कीजिए और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो। क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा, 2-4-5 हज़ार रुपए का खर्चा है। वैसे भी दोस्तों अगर आप जीएसटी लेके ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं तो एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं रहेंगे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। रह गई आपकी जो आपकी पैकिंग मशीन है, उसका भी आपको उपयोग आता रहेगा अगर आप दूसरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन अगर आपका केवल खर्चा मान लो जो आप पन्नी में खर्चा करने वाले हैं, जो आप पैकिंग मटेरियल में खर्चा करने वाले हैं, उसमें आपका भले ही 1,000-2,000 रुपए या 3,000 रुपए का जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, वो आपका खर्चा होने वाला है, इसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है। तो आप इस बार इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट की कीमत आप अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे मेहनत ज्यादा पड़ रही है, मैं 200 ग्राम का पैकेट 150 रुपए में बेचूंगा, 170 में बेचूंगा, 180 में बेचूंगा, आप बेच सकते हैं, लोग खरीदेंगे, क्योंकि गांव में ये चीज आसानी से मिल जाती है, पर सिटी में नहीं मिलती है और हमेशा नहीं मिलती है। अगर आपको आवश्यकता है, जब गर्मी पड़ रही है, किसी की इच्छा है मैं चना का साग खाऊंगा, तो वो खा सकता है, आप उसे उसका मन पसंद चीज दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपके पास लगता है कि बहुत सारा स्टॉक है, डिस्काउंट करके बेच दो। आपको लगता है कि कीमत महंगी पड़ रही है, आप डाउन कर सकते हैं कीमत। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट घट रहा है तो कीमत बढ़ा सकते हैं, ये भी आपके ऊपर है, क्योंकि आपका इस समय नो कंपटीशन में है। तो एक बार ट्राई जरूर करें, बिजनेस आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको अभी नो कंपटीशन, नो रिस्क, और ना किसी आपको मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही दुकान की, ना गोदाम की, कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। तो एक बार आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चने का साग दोस्तों लोगों को पसंद होता है, एक कहावत भी है ना, मक्के की रोटी चने का साग, कहीं सरसों का साग होता है कि चने का साग होता है। तो ये आपको देखना है कि चने का साग हमेशा लोगों को मिलता रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं और दूसरों को उसकी मनपसंद चीज उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बिजनेस बहुत सिंपल है, तरीका आसान है, सिर्फ आपको तैयारी करनी है। गांव वालों को इससे अच्छा बिजनेस शायद ही कोई मिले, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, ताकि और भी आपको इस प्रकार की वीडियो हम देते रहें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट्स करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई भी बिजनेस जिसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो आप कमेंट्स करें, हम उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। सोचिए दोस्तों, क्या कोई यूट्यूबर आपके कमेंट्स पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेगा? लेकिन अगर आपका वाकई में कोई अच्छा सा बिजनेस प्लान है, आप चाहते हैं कि इसमें ये चीज कैसे हुई या ये बिजनेस कैसे शुरू होगा और उसकी डिटेल से जानकारी चाहिए, तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर एक बार लाइक तो बनता है ना दोस्तों, लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।